द फोर्ट ऑफ भानगढ़। ये कहानी 1992 की है। रूमी, जूली, मैक्स, जो और हैरी अपनी गर्मियों की छुट्टी में राजस्थान घूमने आए हुए थे। रूमी ने एक गाइड हायर किया था जिसका नाम सैम था। वो उन्हें कई सारे किले घुमाने ले जाता। सैम, आज हम लोग कहाँ घूमने जाएंगे? जी मैडम, आज हम रामगढ़ फोर्ट जाएंगे। मम्मी, रामगढ़ फोर्ट जाएंगे। नेटवर्क कम होने की वजह से अगर फोन ना लगे तो घबराना नहीं। ओके, बाय। सभी लोग सैम के साथ रामगढ़ फोर्ट देखने जा रहे थे। गर्मी बहुत थी। रूमी के चलने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी। अचानक से उसे किसी के पायल की आवाज आई और उसे ऐसा लगा घूंघट में खड़ी एक औरत उसे देख रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रूमी ये देखकर घबरा गई। तुम लोगों ने किसी पायल की आवाज सुनी क्या? अरे नहीं रूमी, यहाँ किसी ने पायल नहीं पहनी है। रूमी की बात को अनसुना कर वो लोग फिर से चल पड़े। कुछ दूरी पर उन्हें एक रास्ता दिखाई दिया जिसके सामने बोर्ड लगा था हॉन्टेड फोर्ट। मैक्स ने सैम से उस बोर्ड के बारे में पूछा। सैम, ये रास्ता कौन से फोर्ट की तरफ जाता है और यहाँ हॉन्टेड का बोर्ड क्यों लगा है? सैम उस फोर्ट का बोर्ड देखकर डर गया और बात घुमाने की कोशिश करने लगा। सर, ये बेकार फोर्ट है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, देखने लायक कुछ भी नहीं है यहाँ। ऊपर से लोग ये भी कहते हैं कि कोई भूत प्रेत का साया भी है। जब सब लोग सैम की बात ध्यान से सुन रहे थे, उसी वक्त एक घूंघट में खड़ी औरत जिसका आधा चेहरा जला हुआ था रूमी के कान के पास आई और रोते हुए बोली, रूमी ने घबराते हुए चारों तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। कौन है, कौन है? सभी हैरान होकर रूमी की तरफ देखने लगे। मैक्स उसके पास आया और पूछने लगा, तुम ठीक तो हो ना रूमी? अगर तबीयत खराब है तो वापस होटल चलते हैं। हाँ, लगता है मेरी तबीयत खराब है, वापस ही चलते हैं। रूमी की तबीयत खराब होने के कारण सभी होटल की तरफ लौटने लगे। अचानक मैक्स की आंखें हल्की हल्की लाल हो गईं और उसके शरीर में एक भयानक आत्मा ने प्रवेश कर लिया। मैक्स उसी आत्मा की भाषा बोलने लगा, नहीं, घर नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें इस किले को देख कर आना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो सर, यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मैंने कहा ना, हमें चलना है और तुमने हमसे पैसे लिए हैं, चुपचाप हमारे साथ चलो। ठीक है, अगर मैक्स को इतना मन है तो चलते हैं। मैक्स आगे चल रहा था, उसकी आंखें लाल थी। सैम के चेहरे पर परेशानी और घबराहट साफ झलक रही थी। सभी मैक्स के पीछे आने लगे और कुछ ही देर में भानगढ़ फोर्ट पर पहुंच गए। मैक्स के अंदर से आत्मा बाहर आ गई और उसकी आंखें पहले जैसी हो गई। शाम ढलने लगी और अंधेरा हो गया था। सभी उस खंडर फोर्ट में बैठे बोर हो गए थे। रूमी सैंडविच खा रही थी कि तभी उसे किसी औरत की रोने की आवाज आई। रूमी बिना किसी को बताए टॉर्च लेकर वहां से चल पड़ी ये देखने के लिए कि आवाज कहां से आ रही है। हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए, कितनी बर्बाद जगह है ये। अरे कमाल करते हो यार, तुम ही तो लेकर आए थे हमें यहाँ। मैं कहाँ से लेकर आया था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें कुछ पता है क्या रूमी? रूमी, अरे अरे रूमी कहाँ गई? रूमी अंधेरे में टॉर्च से देख रही थी। उसे फिर से पायल की आवाज सुनाई दी। वो चारों तरफ देखने लगी। अचानक से उसे औरत के रोने की फिर आवाज आई। कौन है, सामने क्यों नहीं आती हो तुम? तभी एक जली हुई औरत रूमी के सामने आई और उससे मदद मांगते हुए बुरी तरह से रोने लगी। रूमी उसका चेहरा देखकर डर से कांप उठी और भागने लगी। भागते हुए उसका पैर पत्थर से टकरा गया और वो गिर पड़ी। देखो, मुझे बचा लो, वो फिर आ गया, वो मुझे कैद कर लेगा, मुझे बचा लो।
रूमी के सामने एक बहुत ही भयानक आत्मा आई, जिसे देखकर वो बेहोश हो गई। किले के बाहर रूमी को सब ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। कुछ देर बाद उन्हें रूमी एक कोने में बेहोश पड़ी मिली। वो बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रही होती है। वो तांत्रिक माड़ा लेगा राजकुमारी रत्नावती को। मुझे बचाना होगा राजकुमारी को, मुझे बचाना होगा। वो तांत्रिक बहुत ताकतवर है। कौन तांत्रिक, कौन राजकुमारी रत्नावती? ये क्या बड़बड़ा रही है? सभी लोग रूमी को किले के बाहर आंगन में ले आए और उसे पत्थर पर लिटा दिया। सैम ये सब देखकर बुरी तरह से डर गया और अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगा। जिसका डर था वही हुआ, मैं तो जा रहा हूँ। ये क्या माजरा है सैम, हमें खुलकर बताओ क्या कहानी है इस किले की? बात 300 साल पहले की है। ये किला भी सभी किलों की तरह बहुत खूबसूरत था, पर इस किले से भी ज्यादा खूबसूरत थी राजकुमारी रत्नावती। उनकी बहुत जल्द कुंवर प्रताप से शादी भी होने वाली थी। राजकुमारी को इत्र का बहुत शौक था। वो अक्सर खुद बाजार जाया करती थी इत्र खरीदने के लिए। एक दिन एक तांत्रिक शहर में आया। वो बहुत ही प्रख्यात तांत्रिक था। उसकी गंदी नजर राजकुमारी पर पड़ी और वो उन्हें देखते ही उन पर मोहित हो गया। वो तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से गायब होकर राजकुमारी का पीछा करने लगा, तो उसने देखा कि राजकुमारी कुंवर प्रताप से मिलने आई है और उनके साथ बहुत खुश हैं। ये देखकर तांत्रिक गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तांत्रिक ने राजकुमारी के लिए बनाई गई खास इत्र की बोतल में काला जादू कर दिया और जैसे ही राजकुमारी ने वो इत्र अपने ऊपर छिड़का, वो तांत्रिक के वश में हो गई और उन्होंने अपनी शादी कुंवर प्रताप से तोड़ दी। वो बस अपने कमरे में ही रहती और किसी से नहीं मिलती। एक दिन राजकुमारी को अचानक से होश आया और उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें वश में कर लिया है। उन्होंने वो बोतल तोड़ दी और तांत्रिक ने किले पर अपना काला जादू कर दिया। सभी लोग धीरे धीरे बीमार रहने लगे और अकाल पड़ गया। सबकी मृत्यु होने लगी। अंत में सिर्फ राजकुमारी ही रह गई। वो तांत्रिक जब राजकुमारी को लेने आया तो उन्होंने खुद को आग में झोंक दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तांत्रिक ये सदमा सहन नहीं कर पाया और उसने भी अपनी जान दे दी। पर कहते हैं कि आज भी वो तांत्रिक राजकुमारी की आत्मा को कैद करना चाहता है और राजकुमारी आज भी आए गए राहगीरों से मदद मांगती हैं। सभी ये सुनकर दंग रह जाते हैं और रूमी की तरफ देखने लगे। वो अभी भी बेहोश थी। वो अभी भी बेहोशी में राजकुमारी को बचाने की बात कर रही थी। जो को इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ और वो सबसे बोला, ये सब बेकार की बातें हैं। गांव वाले तो कुछ भी मनगढ़ंत बनाते हैं। सही कह रहे हो जॉय। आप लोग चाहे इस कहानी पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन हमें यहाँ रात नहीं बितानी चाहिए। हाँ, और रूमी को भी होटल ले जाते हैं, उसे आराम की जरूरत है। जैसे ही सब जाने लगे, उन्हें पायल की आवाज आई। राजकुमारी की आत्मा उन सब के सामने प्रकट हो गई। उसका शरीर जल चुका था और वो रो रही थी। मेरी सहायता करे, मुझे बचा ले। राजकुमारी के पीछे तांत्रिक की आत्मा खड़ी होती है, जो जोर जोर से हंस रही होती है। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा राजकुमारी। जो भी तुम्हारे और मेरे बीच में आएगा, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। तांत्रिक ने अपनी जादुई शक्ति से हवा की रफ्तार तेज कर दी और किले में हवा का बवंडर आ गया, जिस कारण सभी हवा से उड़ते हुए दीवार पर जाकर गिरे। हैरी और जो का सिर पत्थर से टकराया और उनके सर से खून गिरने लगा। सैम की आंख खुली और वो भागने की कोशिश करने लगा कि तभी तांत्रिक उसके सामने आ गया और उसका गला पकड़ कर उसे ऊपर की ओर उठाने लगा। सैम का दम घुटने लगा और उसकी मौत हो गई। जूली और मैक्स ने तांत्रिक पर डंडे से वार किया। तांत्रिक ने पीछे मुड़कर देखा और जोर से हंसने लगा। उसने मैक्स और जूली पर जादू किया और वो एक दूसरे को मारने लगे और दोनों की मौत हो गई। तांत्रिक राजकुमारी की तरफ देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अगले दिन सुबह रूमी की आंख खुली और उसने अपने आसपास दोस्तों को मरे देखा तो वो चीखते हुए वहां से बाहर आ गई और रोने लगी और फिर वापस होटल लौट गई।